નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો બચ્ચો, કેસે હો આપ સબ? આજ હમ દૂસરી કક્ષા કા હિન્દી વર્ણમાલા સીખતે હૈ. હેલો બચ્ચો, હાઉ આર યુ? કેસે હો આપ સબ? હમને કહાં તક કિયા થા હિન્દી મે સ્વર ઓર વ્યંજન દોનો હમને સીખા થા. स्वर में अ आ ई ई उ उ और रु ए ऐ ओ औ अम ह ये स्वर थे. और उसके बाद हमने व्यंजन सीखे थे. क्या सीखे थे? व्यंजन. व्यंजन में क ख ग ह ज छ झ ज यहाँ तक हमने किया था. और बाद में ट और ठ. आज हम द ढ और ण यहाँ तक हमको करना है. तो सबसे पहले हमें ये ड है वो कैसे राइट करना है वो हमें सीखना है. ड हमें करने के लिए सबसे पहले ऐसे स्टैंडिंग लाइन क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन, थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन और ऐसे स्लीपिंग लाइन, फिर से थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से ऐसे हाफ सर्कल. क्या? हाफ सर्कल. यहाँ स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल और यहाँ से ही उल्टा हाफ सर्कल, राइट? फिर से देखो, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, उल्टा हाफ सर्कल और उसके ऊपर ऐसी स्लीपिंग लाइन. क्या? स्लीपिंग लाइन. तो ये क्या हो गया? ये द. द से क्या होता है मालूम है? द से डमरू, द से डमरू, द से डलिया, द से डलिया, द से डंडा, डंडा यानी कि स्टिक, द से डाक, डाकघर, डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, द से डकैत, डकैत यानी कि चोर, जो ठगाई करता है, लूटपाट करता है वो. द से डंकी, द से डिब्बा, डिब्बा मालूम है ना आपको. तो ये सब वर्ड्स है वो ड लेटर से उससे आते हैं, राइट? आपको भी ऐसे अपनी नोट में ऐसे एक पेज सारा ड बनाना है. उसके बाद आता है ढ. इसको क्या बोलते हैं? ढ. तो ढ हम कैसे करेंगे? ऐसे स्टैंडिंग लाइन, उसके ऊपर ऐसे हाफ सर्कल. फिर से देखो, स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से ऐसे, फिर से देखो, स्टैंडिंग लाइन, ये हाफ सर्कल और अंदर, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल और उसके अंदर में सर्कल, ऊपर स्लीपिंग लाइन. तो ये हो गया ढ. क्या है ढ? ढ से क्या आता है? ढ से ढोलक. क्या आता है? ढ से ढोलक, ढ से ढाई, टू एंड हाफ. इसको क्या बोलते हैं? ढाई. ढ से ढांचा, ढ से ढांचा, ढ से ढक्कन. आपको मालूम है ना, कोई भी डिब्बा उसके ऊपर ढक्कन लगा दे तो ढ से ढक्कन. ऐसे कितने सारे वर्ड्स थे, आपको अभी ऐसे राइटिंग करना सीखना है ड, राइट? उसके बाद आता है ण. क्या आता है? ण. तो इससे कोई वर्ड्स शुरू होता नहीं है, लेकिन ये वर्ड्स के बाद में आता है. जैसे कि देखो, पहले कैसे राइट करना है, ऐसे करना है, राइट? यू, जैसे इंग्लिश का यू है, ऐसे हमें करना है. उसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन, फिर से देखो, ये यू और स्टैंडिंग लाइन, ये यू, ये स्टैंडिंग लाइन. Line, sleeping line.
बोलते हैं रामायण, तो लास्ट में क्या आया? ण। क्या आया? ण। जैसे कि किसी का नाम है रमण, तो लास्ट में क्या आया? ण। तो ण है वो लास्ट में आता है। ओके। ड से डमरू हमने देखा था, अब दूसरे वर्ड ड से डॉफ, क्या है? डॉफ। ड से डोर, क्या? डोर। आपको कोई डांटता है तो आपको डर लगता है तो उसको डर बोलते हैं, ड से डोर। ड से डगर, क्या है? डगर। डगर यानी कि रास्ता, क्या? रास्ता। ड से डलिया, डलिया, डलिया यानी कि बास्केट, क्या बोलते? बास्केट। आप उसमें कुछ फ्रूट वगैरह रखते हैं उसको डलिया बोलते हैं, तो ड से डलिया। ड से डगमग, डगमग, जैसे कोई बैलेंस रखता है तो उसको डगमग बोलते हैं, ड से डगमग। फिर से देखो, ड से डॉफ, ड से डॉर, ड से डगर, ड से डलिया, ड से डगमग। ड से क्या आता है? ड से डमरू, क्या? डमरू। आपको मालूम है डमरू देखा है शिव जी के मंदिर में, कब शिव जी के पास डमरू होता है मालूम है? तो ड से डमरू, राइट। ये देखो बड़ा वाला डमरू। ड से डंडा, डंडा यानी कि स्टिक, जो लकड़ी की होती है उसको डंडा बोलते, तो ड से डंडा। ये क्या है मालूम है? ये पोस्ट बॉक्स यानी कि डाक घर, जहाँ आप अपने लेटर्स यानी कि खते वो डालते हैं उसको डाक घर बोलते, क्या बोलते? डाक घर। तो ड से डाक घर भी होता है। ये क्या है? डायरी। ड से डायरी, डायरी में आप सब एड्रेस नोट वगैरह कोई भी इम्पोर्टेंस आपको राइट करना हो तो आप इस पर राइट करते, तो इसको डायरी बोलते, क्या बोलते? डायरी। तो ड से डायरी। ड से डोरी, क्या है? डोरी। ये कहीं आपको मालूम है बांधना है, कपड़े सुखाना है, कुछ भी करना है तो ये डोरी है वो आप लोग बांधते हैं, तो ड से डोरी, राइट। ड से डिब्बी, क्या? डिब्बी, जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं स्मॉल बॉक्स उसको डिब्बी बोलते हैं, तो ड से डिब्बी। ये क्या है? ड्रम। ड से ड्रम, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट। ढ, ढ से क्या आता है? ढ से ढकना और ढक्कन, ये क्या है? ढक्कन। ढ से ढक्कन। और ढ से क्या है? बैठक, क्या है? बैठक। ढ से मेढक, क्या है? मेढक, मेढक। ढ से ढरकी, क्या है? ढरकी। ढ से ढमढम, ढ से ढमढम। ढ से ढकोसला, क्या है? ढकोसला। अब हम ढ लेटर्स वाले दूसरे वर्ड्स देखते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं? ढोलक। ढ से ढोलक, आपको मालूम है ना ढोल बजाते उसको ढोलक बोलते, तो ढ से ढोलक। ये क्या है? ढाबा, क्या? ढाबा। आप लोग बाहर घूमने को जाते हैं तो वहाँ बाहर हाईवे पर जो रेस्टोरेंट होता है ना उसको ढाबा बोलते, क्या बोलते? ढाबा। तो ढ से ढाबा भी होता है। क्या है? हण। इसको क्या बोलते? हण। ये इससे कोई वर्ड बनता नहीं है लेकिन ये कोई भी शब्द है उसके लास्ट में भी आ सकता है और बीच में भी आता है। जी सन, देखो जैसे कि हम बोलते हैं फेण,
तो सेकंड में आया। उसके बाद कोई नाम है रमणो तो लास्ट में आया। अब दूसरा नाम है रामायण तो कहाँ आया, लास्ट में। ऐसे कोई भी वर्ड्स में बीच में भी आता है और लास्ट में भी आ सकता है, राइट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।